पत्र सुने हो, पत्र, चिट्ठी जानते हो, चिट्ठी। हाँ, पहले एक जगह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी को कुछ भेजना होता था, कुछ मतलब क्या होता, कोई संदेश भेजना होता था, तो किसके माध्यम से भेजते थे? पत्र भेजते थे ना, चिट्ठी भेजते थे ना, बोलो। तो बस उसी चिट्ठी का बदला हुआ नाम क्या है? पहले आप फिजिकली चिट्ठी भेजते थे, अभी भी चिट्ठी ही भेजेंगे, लेकिन किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में भेजेंगे। पहले जो चिट्ठी भेजते थे उसके पहुंचने में समय लगता था, अब वाला क्या है, कुछ ही सेकंड के अंदर एक चिट्ठी दुनिया की इस कोने से उस कोने पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये जो व्यवस्था है इसको हम लोग कहते हैं क्या? ईमेल। मेल का मतलब होता है मैसेज, और ई लगा दिया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। क्या हो गया? यानी मैसेज कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक। तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट पर एक और बेहतरीन सर्विस है कम्युनिकेशंस की, जिसका नाम क्या है? ईमेल है। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। क्या हो गया लिख लेना पूरा, इलेक्ट्रॉनिक मेल पूरा नाम बनाइए। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब चिट्ठी भेजने का कैसा मेथड है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। चिट्ठी भेजने का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, कंफर्म। तो किसने बनाया इस मेथड को? इसको सबसे पहले सन 1971 में एक नाम है रे टॉम लिंशन का। किसका? रे टॉम लिंशन ने इस मेथड को डेवलप किया, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? इन्वेंटर ऑफ क्या? ईमेल कहा जाएगा। इन्वेंटर ऑफ क्या होगा? ईमेल होगा। ठीक, देखो ध्यान से। अच्छा, एक बात और समझिएगा, लिखा ही था ना, अब जरा समझो। ईमेल है क्या? ये मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, और बीच में क्या है? पूरा इंटरनेट है। हम इस कंप्यूटर से एक संदेश इस कंप्यूटर की तरफ भेजना चाहते हैं, ठीक है, एक संदेश यहां से उस कंप्यूटर पर भेजना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमारा क्या होगा? एक इनबॉक्स होगा, ईमेल सिस्टम में एक क्या बनाना पड़ेगा? आउटबॉक्स बनाना पड़ेगा। इधर भी क्या होगा? अब आप ये मेरे से मत कहना सर सीपीयू कहां चला गया इसका, बोलो। तो एक इनबॉक्स है, दूसरा क्या इसका? आउटबॉक्स है। तो करेंगे क्या? अगर ये कंप्यूटर मेल भेजेगा तो आपको पता होगा कि ईमेल व्यवस्था में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए इनका अपना अपना क्या होगा? एक ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी व्यवस्था भी डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझ लो मेथड क्या, फिर बाकी ईमेल एड्रेस तो बनाएंगे। इनका अपना ईमेल एड्रेस होगा और इनका भी क्या होगा? एक ईमेल एड्रेस होगा। अब ये अपने सॉफ्टवेयर की मदद से, किसी प्रोग्राम की मदद से मैसेज को कंपोज करेंगे और मैसेज को सेंड कर देंगे। तो ये इसके आउटबॉक्स से निकल के कहां पहुंच जाएगा? और ये भेजेगा तो इनके इनबॉक्स में, और बीच में पूरा क्या है? इंटरनेट है। तो ईमेल है क्या? ईमेल एक ऐसा मेथड है जिसमें एक यूजर दूसरे यूजर के साथ मैसेजों का आदान प्रदान कर सकता है, बोलो। और आप सब लोगों ने यूज भी किया होगा, नहीं यूज किया होगा मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। तो व्हाट इज द ईमेल? ईमेल इज द व्हाट? इट इज अ मेथड ऑफ अ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन क्या? वन डिवाइस टू अनदर। जल्दी से लिख लो, किसने शुरू किया इस मेथड को? डेवलप किसने किया? फिर से एक बार याद दिला दूं, कौन है, कब किया? और पता है ये इन्होंने जो अपना ये टेस्टिंग किया था मैसेजेस को भेजने का, वो नेटवर्क भी अरपानेट था। क्या था? यही बाद में इंटरनेट बना ना, अर्पानेट। फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो नोट कर लो ईमेल क्या है, बाकी मैं अभी सिखाऊंगा कैसे ईमेल हम लोग भेजेंगे बनाएंगे। ईमेल, ईमेल इज अ मेथड ऑफ, ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। दिखाई पड़ रहा सबको यहां तक? बिकराल सर इसको ऊपर लगा दीजिए जरा, इनको सबको नजर आए। इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। मैसेजेस का मतलब क्या होता है? मेल, संदेश, ठीक, बिटवीन
पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अच्छा, ईमेल है क्या? एक तरह का मीडियम हो गई, या मैं तो कहता हूं ईमेल एक सर्विस भी है, और इसके थ्रू मैसेज को भेजते, जो मैसेज सेंड करते हैं ना उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? जो मैसेज भेजते हैं ईमेल मेथड का उपयोग करके, इसका मीडियम उपयोग करके, उस मैसेज को भी क्या बोला जाता है? ईमेल बोला जाता है। मेल माने मैसेज होता है, ई लग गया तो उसका फॉर्म बदल गया, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक। अच्छा, ये ईमेल किस पर ऑपरेट होगा पता है? हम चाहे, एक बार बताना चाहता था, जी माइंड के ये जो 30-40 कंप्यूटर है ना, इनको आपस में जोड़ करके भी हम एक मेल सिस्टम बना सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश भेज सकते हैं, और इवन इसी को लोकल नेटवर्क को छोड़ करके अगर मैं ग्लोबली इस व्यवस्था को बनाना चाहूंगा तो इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेज पाऊंगा। ठीक, तो जल्दी से इसको लिख लो। अच्छा सुनो, जो लोकल एरिया नेटवर्क पर हम ईमेल की व्यवस्था बनाएंगे तो हमको एक काम और करना पड़ेगा, ईमेल सर्वर बनाने पड़ेंगे। और ग्लोबल वाला भी ईमेल सर्वर बनाते हैं, पर ये ग्लोबल वाला जो ईमेल होता है, आज के टाइम पर हमको वेब आधारित ईमेल के थ्रू सर्विसेज मिलती हैं, वेब आधारित। जैसे जो जीमेल है ना, वो खुद एक वेबसाइट है, और उसके थ्रू हमें क्या मिलती है? ईमेल की सर्विस मिलती है। कंफर्म? जल्दी से लिखो कैसे ऑपरेट होता है। ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसमें प्राइमरली किसका नाम आता है? इंटरनेट। या हम लोकल एरिया नेटवर्क पर भी ईमेल सिस्टम को बना सकते हैं, चला सकते हैं। द ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्राइमरली द इंटरनेट एंड ऑल्सो लोकल एरिया नेटवर्क। लैन समझते हो ना सब लोग? लैन किसी भी संस्थान में जो कंप्यूटर मौजूद है, इनको हम क्या कर लें? आपस में जोड़ दें किसी माध्यम के जरिए, तो ये जो नेटवर्क फॉर्म होगा उसको क्या कहेंगे? क्या? लैन। क्यों लैन क्या है बोलेंगे? क्योंकि ये जो इस्टेब्लिश नेटवर्क्स है वो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में बना हुआ है। ठीक है, तो लाइन समझते हो ना? ठीक है, यहां तक हो गया। जल्दी से लिखो, जूमिंग कम कर लो। अब बताइए दिख रहा है? तो फॉन्ट का साइज बढ़ा लेना, ये कहो। अब सही है, दिखाई पड़ा? अपूर्वा बोलो। ठीक, ये ईमेल का थ्योरी से रिलेटेड मैटर है। अभी इसके बाद अभी आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। वैसे भी आप लोग मेल भेजना जानते ही होंगे, नहीं पता है? चलो, जिनको नहीं पता है उनको सिखाता हूँ। अच्छा, ये कैसे करते? ईमेल सिस्टम बेस्ड होता है किस पर? स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर। ईमेल सिस्टम, आज का जो ईमेल सिस्टम है, बेस्ड है किस पर? स्टोर एंड फॉरवर्ड पर। मतलब पता है क्या करना पड़ेगा? बीच में हमें ईमेल सर्वर लगाना पड़ेगा। देखो, अभी मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूं, पहले ये नोट कर लो। तब ईमेल सिस्टम बेस्ड है किस पे? स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर। ठीक। अच्छा, एक बात समझना, ईमेल को स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा? ईमेल सर्वर। क्या एस्टेब्लिश करना पड़ेगा? तो ईमेल सर्वर आपकी मेल को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी फॉरवर्ड और डिलीवर कर देगा। कहां पे? जहां पे आपने भेजा होगा। तो ईमेल सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस, स्टोर्स मैसेजेस। कंफर्म? यहां तक तो समझ में आया? अच्छा, ये बताओ, आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जब भी कोई कम्युनिकेशंस होता है, कुछ रूल्स को फॉलो करके होगा ना, तो इसका मतलब प्रोटोकॉल आ जाएगा। इस वजह से ईमेल का भी क्या है? प्रोटोकॉल है। ईमेल में कुछ प्रमुख प्रोटोकॉल हैं जिनके नाम जानना बहुत जरूरी है। पहला आता है SMTP। क्या था? अच्छा सुनो, इस बात को ऐसे सीखो, ये रहा हमारा एक इमेज। देखो, ये किसी ए नाम के व्यक्ति का कंप्यूटर है और ये दूसरा बी नाम के व्यक्ति का कंप्यूटर है। अब ये क्या करेंगे, ईमेल इनको भेजना चाहते हैं, तो बीच में क्या है, बीच में हमारा पूरा इंटरनेट लगा हुआ है। और मैंने अभी बताया था, ईमेल की व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करने वाली कंपनी होगी, वो अपने ईमेल सर्वर क्या करेंगी? एस्टेब्लिश करेंगी। अच्छा, यहां पर देखो, ये कंप्यूटर आप ओपन कर लेंगे तो क्या तुरंत मेल बना लेंगे? नहीं। जैसे आप व्हाट्सएप करते हो, पहले व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर खोलते हो ना, वैसे ही जब आप ईमेल करने जाएंगे तो ईमेल का भी प्रोग्राम होता है, उसको कहा जाता है मेल यूजर एजेंट। क्या बोलते हैं? मेल यूजर एजेंट कहते हैं। आप उस प्रोग्राम को खोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते भी रहो, मैं आपको दिखाता हूं अपना मेल अकाउंट। तो देखो, मेरे पास क्या है, जीमेल का ईमेल है। हाँ, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि जीमेल क्या है, ईमेल क्या है ना, तो
तो मैं अपना वाला जीमेल ओपन कर लेता हूँ, अगर खुलने लायक रहा तो। ये देखा, इधर देखो ध्यान से, तो मैं इस फिगर के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखो ये कंप्यूटर है, तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ मैं मैसेज क्या कर पाऊँ, क्रिएट कर पाऊँ। जैसे ठीक, आप व्हाट्सएप का प्रोग्राम खोलते हो ना, अब किसी ने कह दिया जरा मुझे मैसेज कर दो, तो मैसेज किससे कर दें, किसी सॉफ्टवेयर से करोगे ना, तो आपने व्हाट्सएप अपना ओपन कर लिया। तो ऐसे ईमेल करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं मेल यूजर एजेंट, क्या बोलेंगे, तो मेल यूजर एजेंट के थ्रू ही मेल को कंपोज करेंगे और आने वाली मेलों को पढ़ोगे भी वहीं पे। तो मेल यूजर एजेंट पर हमने प्रोग्राम बना दिया अपना, सारा कुछ प्रोग्राम नहीं सॉरी, हमने अपना मैसेज तैयार कर लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, उस मेल को सर्वर तक भेजने का काम जो प्रोटोकॉल करेगा उसका नाम क्या है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी आपके मेल यूजर एजेंट ने जब मैसेज को सेंड कर दिया तो उसको ईमेल सर्वर तक पहुंचाने का काम किसका, SMTP का। ठीक है, मेल सर्वर तक मेल पहुंच गया, स्टोर हो गया वहां पे ना, जब सर्वर तक मेल पहुंच जाएगा तो वापस क्या करना पड़ेगा, उस मेल को वापस नहीं, उस मेल को अब इनके तरफ भेजना है, तो वहां से क्या करना है, उस मेल को पहुंचा देना है बी वाले कंप्यूटर या बॉब के कंप्यूटर पर। तो तब जो प्रोटोकॉल एक्टिव होगा उसका नाम है POP3। क्या है, यानी SMTP मेल जो है वो मेल को सेंड करवाएगा इनके कंप्यूटर से ईमेल के सर्वर तक, और ईमेल के सर्वर से इनके कंप्यूटर पर मेल को डाउनलोड कराने का काम किसका होगा, वो रहेगा किसका, वो है POP3 का। किसका, POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसीलिए SMTP को सेंडिंग ईमेल प्रोटोकॉल कहा जाता है और POP3 को मेल रिसीविंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। बात समझ में आई, ये दो प्रमुख प्रोटोकॉल होंगे, इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और आएगा जिसका नाम है IMAP। कौन सा, हाँ तो नाम जल्दी जल्दी बना लीजिए कि कौन कौन से प्रोटोकॉल से ईमेल में काम करते हैं। एक है SMTP, फुल फॉर्म बनाइए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल भाई, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल क्या, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा ये, इसके सामने नीचे लिख देना कि ये एक सेंडिंग ईमेल प्रोटोकॉल है, सेंड करने वाला काम है, ये मेल को सेंड करता है। अच्छा, ये पुल करता है, पुश करता है ईमेल को, सेंडिंग ईमेल, ये जो SMTP प्रोटोकॉल है ये पुल करता है, पुश करता है ना। अच्छा, जाओ यहां से तो पुश करो, और उधर POP3 क्या करेगा, पुल कर लेगा। तो कहीं कहीं ये भी भाषा लिखी रहती है कि कौन सा पुश करता है और कौन सा प्रोटोकॉल पुल करता है ईमेल के संदर्भ में। बोलो तो जल्दी से बनाओ। ये देखो, यहां पे मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मेल यूजर एजेंट। अच्छा, मेल यूजर एजेंट में आपने एग्जांपल नहीं पूछा कोई मुझसे। वैसे हम लोग वेब आधारित ईमेल सुविधा का उपयोग करते हैं ना, हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वेब आधारित। उसमें मेल यूजर एजेंट जो है ना, वेबसाइट के थ्रू ही अपना मिल जाए। जैसे जीमेल का अकाउंट मैंने ये ओपन किया, अभी दिखा रहा था स्क्रीन पे ना, तो समझ लो मेरा मेल यूजर एजेंट वगैरह सब क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, ये सब खुल गया है। अब मुझे यहाँ से कंपोज करना और इसी पर मैं मैसेज को रिसीव करना शुरू कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि हम आउटलुक यूज करें, क्या यूज करें, मेल यूजर एजेंट का बढ़िया उदाहरण है आउटलुक। क्या है, आउटलुक लिख लो, और कोई बताओ, थंडरबोल्ट, थंडर, हाँ थंडरबर्ड, नाम बना लो मेल यूजर एजेंट का। जैसे आउटलुक कभी कभी पूछा भी गया, पहले तो बहुत पूछते थे कि आउटलुक क्या है, एक है थंडरबर्ड, ये सब क्या है पता है, ये ईमेल के मेल यूजर एजेंट है। तो मेल यूजर एजेंट है क्या, इधर सुनो ध्यान से, ये प्रोग्राम है, क्या है ये, क्या करोगे यहां पे, यही मेल को हम कंपोज करेंगे, क्रिएट करेंगे, और मेल को जो आएगी इसी अकाउंट में आएगी भी, इसी के थ्रू मैं मेल को कंपोज कर पाऊंगा और मेल को क्या कर पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा, रीड कर पाऊंगा। ठीक है, ये दोनों काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मेल यूजर एजेंट का एग्जांपल बनाए, आउटलुक हो गया, थंडरबर्ड हो गया, इनको नाम नोट कर लो, हटाएं इसको। अच्छा सुनो, अब मेल यूजर एजेंट पर आपने मेल वोल बना दिया। अच्छा, मेल बनाने के लिए आपको पता है कि किसी को मेल भेजना हो उसका एड्रेस हो तो चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेल यूजर में 2CC सब्जेक्ट वगैरह लिखना पड़ेगा। अभी जब ये मेल आप सेंड करोगे तो SMTP प्रोटोकॉल इसको लेके कहाँ चली जाएगी, जाहिर सी बात है हमको मेल सर्वर पर चाहिए होगा। तो जो ईमेल की सुविधा देता है या जो ईमेल की सर्विस बनाता है वो सारा बैकग्राउंड में सब चीज़ें सेटअप करता है, तो ईमेल सर्वर पर चली गई। अब यहाँ से ये मेल क्या हो जाएगी, ये दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर है और इस पर इसका MUA नाम का एजेंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ POP3 नाम का जो प्रोटोकॉल होगा वो क्या करेगा,
इसका सारा मेल यहाँ पे डाउनलोड करा देगा, जो जो भी मेल इसके पास गई होंगी, कंफर्म। तो दो प्रोटोकॉल याद रखें, एसएमटीपी, दूसरी कौन सी, इसीलिए देखो मैंने कहा था कि आज का जो ईमेल सिस्टम है स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पे काम करता है, मेल भेजा स्टोर और आगे क्या हो गई फॉरवर्ड हो गई। अब जानते हो इसी पॉप थ्री का एक अल्टरनेट मेल भी है जिसका नाम है आई मैप, क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, कौन सा लिखिए, तीसरा वाला भी बनाइए जल्दी से, थर्ड प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी मेल को डाउनलोड करने का ही काम करेगा, ये भी मेल को रिसीव करने का ही काम करेगा, ये भी रिसीविंग ईमेल प्रोटोकॉल है, ये भी कैसा प्रोटोकॉल है, रिसीविंग ईमेल प्रोटोकॉल है, रिसीविंग ईमेल प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल याद हो गए सारे, अच्छा कुछ बात और जोड़ दे इसमें, अरे कुछ बातें और बता दूं, एक दिन तुम लोग को मैंने ओएसआई मॉडल बताया था और सात लेयर बताई थी, तो सातवीं लेयर एप्लीकेशन होती है, ये सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो, किस लेयर के प्रोटोकॉल हैं ये। अब जिन्होंने ओएसआई मॉडल नहीं पढ़ा होगा, मेरे पास इसका वीडियो मौजूद है, आप जाकर के देख लीजिएगा, 2:15 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ओएसआई मॉडल मैंने पढ़ाया हुआ, वहां से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो किसी दिन समय रहा तो इसी क्लास में फिर बता दूंगा उसको। इतनी बात अच्छा कंफर्म होगी। ये बताओ पॉप थ्री और आई मैप दोनों का काम रिसीविंग करना है ईमेल को, तो कुछ अंतर भी होगा कि सिमिलर है दोनों, कुछ अंतर भी होना चाहिए, जरा ध्यान समझिए क्या अंतर है। पॉप थ्री ईमेल, जैसे इधर से कोई मेल गई, इस व्यक्ति ने तीन मेले भेज दी, तीन मेले यहां की स्टोर हो गई, और पॉप थ्री प्रोटोकॉल ने क्या कर दिया, अगर इससे हमने मेल को रिसीव किया तो तीनों मेलों को यहां पे डाउनलोड करवा दिया, होगा क्या, यहां से हट जाएगी, ठीक, अगर ये प्रोटोकॉल चल रहा होगा तो हट गई। अब ये बताओ तुम अपना अकाउंट किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर लोगे तो ये जो मेल तुम्हारी पास पहुंच गई थी इस कंप्यूटर में क्या यहां मिल पाएंगे, यहां से सर्वर से दोबारा कनेक्ट हुए तो क्या यहां तुमको मेल मिल पाएगी, क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहां से हट चुका। लेकिन अगर आई मैप वाला जो प्रोटोकॉल बनाया गया बाद में, वो कहता है कि मेल का एक कॉपी क्या होगी आपके सर्वर के पास पड़ा रहेगा, तो चाहे इस कंप्यूटर पर खोलो और चाहे इस कंप्यूटर पर खोलो, ये मेल तुमको क्या होगी, हर जगह उपलब्ध रहेगी। ये दोनों के बीच का क्या एक बुनियादी फर्क है, बाकी डिफरेंसेस बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, इतना समझे तो बाकी प्रोटोकॉल के नाम याद हो जाएंगे। अच्छा अब जरा एक काम और कर लेते हैं, ईमेल आपको हम भेजना बता देते कैसे ईमेल भेजते हैं। अच्छा ये बताओ ईमेल की सर्विस हम तक कौन पहुंचा रहा, क्या हमने जीमेल में ईमेल का सर्वर लगा रखा है, क्या ईमेल की व्यवस्था बना दी है, क्या नहीं बनाई हुई, हम लोग जनरली जो सर्विस यूज करते हैं ईमेल के नाम पर, वो उसमें से प्रमुख कंपनियां हैं जिनके नाम है जीमेल, नाम सुनो ना जीमेल, दूसरा नाम बताओ रेडिफ, और बताओ याहू, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें ईमेल की सर्विस पैसे में देती फ्री में देती हैं, फ्री में प्रोवाइड करती हैं। तो अब आप एक और हेडिंग बना लीजिएगा, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन है ईमेल को ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करने वाला, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। कौन कौन है भाई ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करने वाली, हाँ नाम बताइए जल्दी जल्दी। अब तो यह बात समझ गए होगे ना कि ईमेल और जीमेल में क्या फर्क है। हाँ ईमेल तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वो एक मेथड है, वो एक सर्विस है, उसका कॉमन नाम क्या है ईमेल है, और जीमेल क्या है, हाँ ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड करने वाली क्या है, कंपनी है, ठीक। तो लिख लो जीमेल, ये फ्री में ईमेल की व्यवस्था देता है, पैसा लेता है फ्री में, और रेडिफ मेल, याहू लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर ले मैं बोल रहा हूँ, याहू और किसी की है क्या, हाँ AOL बहुत सारी हैं, हाँ इतना पर्याप्त है, जो चर्चित हैं, जो चर्चित ईमेल सर्विसेज हैं उन्हीं का नाम लिखो। अच्छा ये बताओ अगर हमें और आपको ईमेल की सर्विस का उपयोग करना होगा तब आप क्या करेंगे, पहले आपका ईमेल उस सर्विस में खाता होना चाहिए,
इसको ठीक कैसे समझो, आपके पिताजी ने कहा जाओ पैसा जमा कर दो बैंक में, अरे बैंक तो बहुत सारे हैं, किस बैंक में जमा कर दें? तो पहले ये पता हो किस बैंक में जमा कर दें। उन्होंने कहा SBI में जमा कर दो। अच्छा, SBI में पहुंचे और कहते सर पैसा जमा कर लो मेरा, तो कहेगा खाता कहाँ है तुम्हारा? इसका मतलब वहां तुम्हारा क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तो फर्स्टली जो मैंने अभी नाम बताया जीमेल याहू रेडिफ मेल, इन सब में से किसी पर आपका क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। अब अकाउंट है तो अकाउंट को पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट पहले खोलना पड़ेगा, अकाउंट खुल जाएगा तब आप साइन इन कर लीजिएगा, फिर मैसेज को क्या कर पाएंगे, कंपोज कर पाएंगे। ये जितने भी नाम मैंने बताए ये वेब आधारित ईमेल है। कैसी है ये? वेब आधारित, यानी वेबसाइट बेस्ड मेल है। इसका कोई सिस्टम यहां पे नहीं बनाया गया है, तो ये सब पहले से बैकग्राउंड में सब चीजें बना के दे रखे हैं। बस खाली जाओ अकाउंट खोलो और मैसेज भेजना शुरू कर दो। एक नाम मैं भूल गया, आउटलुक एक्सप्रेस का एक और ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की, इसका नाम है आउटलुक एक्सप्रेस, नोट कर लीजिएगा। अरे जीमेल याहू रेडिफ लिखे, एक नाम और बढ़ाइए आउटलुक एक्सप्रेस, इधर भी खाता खोलते हैं। तो खाता खोलोगे कैसे? जीमेल पे पहुंच जाओ, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी भर दीजिएगा, तो आपका अकाउंट क्या होगा, बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो भाई कि बना के दिखाऊं, बना के दिखाऊं, ये कर लोगे? चलो ठीक है, नहीं कर पाना तब मुझे बताना। अब ये बताओ जब आप अकाउंट बना लोगे ना तो कुछ ऐसा खुल करके आएगा, ठीक है? आपके मोबाइल फोन पर याद होगा आप सब लोग एंड्रॉयड के यूजर हो, तो ईमेल के बगैर जो है एंड्रॉयड चलेगा ही नहीं, आप प्ले स्टोर वगैरह यूज ही नहीं कर सकते हो। तो अपने अपने मोबाइल फोन में जाना, देखना एक जीमेल लिखा हुआ, आपको एक प्रोग्राम मिलेगा, क्लिक कर देना। वो भी समझ लेना मेल यूजर एजेंट पड़ा हुआ तुम्हारे सिस्टम में है ना, वो मेल यूजर एजेंट प्रोग्राम ही तो है, एक ऐप ही तो है, वो क्लिक करना खुल जाएगा। अब यहां देखो मेल को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। क्या करेंगे? कंपोज, मेल पर जाइए कंपोज करिए। अच्छा, जब आप मेल अकाउंट बनाएंगे तो आपका अपना एक मेल एड्रेस बन जाएगा कि नहीं, ठीक वैसे जैसे बैंक में खाता खुलवाओगे खाता नंबर मिलेगा कि नहीं, वैसे ही आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा। तो जिसको जिसको तुमको मेल भेजना होगा, जिसको मेल भेजना चाहते हो आप, कंपोज करिए और वहां उसको उसका मेल एड्रेस यहां पर क्या कर दीजिए, टाइप कर दीजिए। तो जिसको मेल भेजना, सपोज दैट कि मैं इनको मेल भेजना चाहता हूं, तो उसका पता मालूम होना चाहिए। ठीक वही बात है कि तुम विकराल सर को पैसा भेजना चाहते हो, खाता नंबर जनमय नहीं करते हो, अभी मत कहना मोबाइल नंबर जानता हूं उससे भेज दूंगा। अरे कुछ तो जानते हो, उनका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना जहां पे पैसा रिसीव हो। तो हमने यहां पे अपना एड्रेस दे दिया, ये देखो जीमेल लिख दिया, gmail.com कर दिया, ये एड्रेस आ गया मेरा वाला, ठीक। अब यहां किस विषय पर आप मेल भेजना चाहते हो, विषय भी तो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम इस मेल को भेजोगे ना तो ये जो सब्जेक्ट लिखे रहोगे यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा वैसे ही, और नहीं लिखे रहोगे तो लिखा रहेगा नो सब्जेक्ट, और बिना सब्जेक्ट के मेल नहीं भेजी जाती है। वरना इंटरनेट में एक और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरनेट में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? इंटरनेट एटिक्वेट्स। क्या पढ़ेंगे? कंफर्म? तो अभी वाला टॉपिक आया नहीं, तो यहां जाइएगा अपना विषय लिख दीजिएगा, कौन सा हम CCC के विषय में बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा आपका बॉडी वाला हिस्सा, इसमें जाइएगा मैसेज बना लीजिएगा और फिर सेंड कर दीजिएगा मेल को। तो कल इसके बारे में प्रॉपर और थोड़ा हम लोग देखेंगे ठीक से, क्योंकि सिस्टम उतना अच्छा चल नहीं रहा तो अकाउंट बनाने में लग जाएगा समय हमको, ठीक है? तो जिनके पास होगा वो लोग अभ्यास कर लेंगे, नहीं होगा तो कल मैं फिर आपको वापस बता दूंगा। बस आज के लिए इतना रखो, दैट्स ऑल, थैंक यू।